नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप इन दोनों को चुकानी पड़ी एक बहुत बड़ी कीमत सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने के वजह से, और कैसे एकता कपूर को मिली है बहुत बड़ी फटकार। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक पहुंचते रहे। तो जैसे आप लोगों को पता होगा या पता नहीं, लेकिन तापसी पन्नू की अभी एक मूवी आई है दोबारा, जिस मूवी को दर्शकों ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया है। और अब तो ऐसी शामत आ गई है कि इस मूवी को किसी भी हॉल में दिखाया नहीं जा रहा है। अनुराग कश्यप जो इस फिल्म के डायरेक्टर है और तापसी पन्नू जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, इन दोनों ने पहले एक बहुत ही घिलौना खिलवाड़ किया था जब इन्होंने ये बताया था कि ये चाहते हैं कि इनका मूवी बॉयकॉट किया जाए, ये चाहते हैं कि लोग इनकी मूवी ना देखें। तो ऑडियंस क्या करेगी, ऑडियंस ने इनकी बात सुनी और इस मूवी को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, बैन कर दिया। इसके वजह से ये मूवी दोबारा जो 20 करोड़ रुपए के बजट पे बनी थी, ये मूवी अब 1 करोड़ रुपए भी कमा पाएगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को, और साथ ही साथ इस मूवी के निर्माता एकता कपूर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एकता कपूर वही है जो सुशांत सिंह राजपूत को पवित्र रिश्ता जैसी एक सक्सेसफुल सीरियल में काम दिलाया था, लेकिन उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ एकता कपूर के जो संबंध थे वो खराब होते गए। और रही बात अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की, तो अनुराग कश्यप ने तो ये बोला था कि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बॉलीवुड मूवीज को, उनके मसीहा है सुशांत सिंह राजपूत, उनके हीरो है सुशांत सिंह राजपूत। इस सुशांत सिंह राजपूत अभी इस दुनिया में नहीं है, और अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को मजाक के तौर पे पेश करेंगे, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाएंगे तो लोग आपको फटकार मारेगी, और यही अभी हुआ है आपके मूवी के साथ। और तापसी पन्नू जो एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस है, उन्होंने 6 के 6 फिल्में अभी फ्लॉप दी है, कगार पे है वो अभी बॉलीवुड से एग्जिट मारने के। इन दोनों ने मिलके क्लेम किया था कि ये मूवी 6 करोड़ से ऊपर की बिजनेस करेगी पहले दिन, लेकिन ये मूवी का लाइफ टाइम बिजनेस जो है वो 1 करोड़ से भी नीचे होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा है कि जो घमंडी लोग हैं जो सुशांत का मजाक उड़ा रहे थे, उनको एक बहुत अच्छा जवाब मिला है, और अब एक मूवी बनाने से पहले बॉलीवुड दोबारा तो जरूर सोचेगी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे घटना के बारे में, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए।